अगर वर्ड का एंड जो है ओ पे हो रहा है, ओ पे ख़त्म हो रहा है वर्ड, तो हम उसमें भी ई एस ऐड करेंगे. लाइक मैंगो का मैंगोज, ई एस ऐड करा. इफ़ एंड वाई, तो उसमें वाई को हटा के आई ई एस ऐड करेंगे. तो लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर वाई को हटा के हम आई ई एस ऐड कर रहे हैं, अब देखिए वाई से पहले का जो वर्ड है डी, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड. आपने वॉवल्स पढ़े होंगे, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जो है कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं. तो देखिए वाई से पहले का जो वर्ड डी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने वाई को हटा कर आई ई एस ऐड किया है. तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वाई को रिमूव करके वहाँ पर हम आई ई एस ऐड करेंगे. नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ अ वॉवल बिफोर वाई, अगर वाई से पहले कोई वॉवल साउंड आ रहा है लाइक ए ई आई ओ यू, तो ओनली हम उसमें एस ऐड करेंगे, उस पर वाई को हमको रिमूव करने की कोई नीड नहीं है. टॉय है, टॉयज हो जाएगा. की है, देखिए वाई से पहले ई आ रहा है, इट्स अ वॉवल साउंड, सो की का कीज़ हो जाएगा. मंकी है, वाई से पहले ई आ रहा है, मंकी का मंकीज़ हो जाएगा. तो हमको जहाँ वाई से पहले वॉवल साउंड आ रहा है ओनली वहाँ पे एस ऐड करना है. अगर जो वर्ड है एफ़ पे एंड हो रहा है तो हम वहाँ से एफ़ को रिमूव करेंगे और एफ़ की जगह पे वी ई एस ऐड करेंगे. जैसे लीव का लीव्स हो जाएगा. अगर वर्ड जो है एफ ई पे एंड हो रहा है, मतलब एफ ई पे अगर वर्ड का एंड हो रहा है, चेंज एफ टू वी, तो एफ़ को हम वी में चेंज कर देंगे और उसके बाद ई एस ऐड करेंगे. जैसे वाइफ है, वाइफ में पीछे के दो वर्ड्स एफ ई आ रहा है, तो वाइफ में हमने एफ ई को, एफ को तो रिमूव करा, एफ की जगह वी लगाया, वाइफ्स हो गया, ई एस ऐड करा. नाइफ है, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, प्लूरल उसका. सम प्लूरल और सिंगुलर आर सेम, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही फॉर्म उसकी सेम ही रहती है, बस उसकी पहचान के लिए. जैसे अगर अ लगा हुआ है आगे, अ डियर, तो वहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो डियर का डियर ही रहेगा, अ फिश फिश ही रहेगा उसका.